पर आपको बता दें लखनऊ से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कई मांगों को लेकर भाकियों का प्रदर्शन है। भारतीय किसान यूनियन जो है वो कई मांगों लेकर प्रदर्शन में कर रही है और जमीन के बदले विकास और सरकारी नौकरी की मांग है। तो राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन जारी है। इस वक्त यूपी के एयरपोर्ट का संचालन बंद करने की भी दी गई धमकी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कई मांगों लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में जमीन के बदले विकास और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। तो राकेश टिकैत के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि एयरपोर्ट के का संचालन बंद करने की भी धमकी दी गई है भाकियों के द्वारा। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कई मांगों को लेकर भाकियों का प्रदर्शन है और आपको बता दें जमीन के बदले विकास और सरकारी नौकरी की मांग। राकेश टिकैत के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन जारी है और यूपी के एयरपोर्ट का संचालन बंद करने की भी धमकी दी गई है। जमीन के बदले विकास और सरकारी नौकरी की मांग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं धरना प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन दे रही, इससे पहले भी दे चुकी है, मांगे जो है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जिस तरह से जो हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण हो रहा है उसमें कई किसानों की जमीनें एक्वायर की गई हैं भारत सरकार की तरफ से। इसको लेकर के मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं, लगातार जो मुआवजा सरकार उनको दे रही है उससे अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ में एक परिवारजन को वो सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के उनका कहना है कि हमको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कई बार पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन है वो काफी आक्रामक होने की संकेत दिए जा रहे हैं। किसान यूनियन के नेताओं से भी बात हुई हमारी, उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं देगी तब तक हम इस धरने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। अब देखना होता है कि सरकार इनकी मांगों को किस हद तक मानती है। बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं मांगे जो है वो उसको लेकर सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर सोचना विचारना होगा। बात अगर की जाए धमकी दी गई है कि एयरपोर्ट को का संचालन बंद कर देंगे, इसको लेकर के क्या कुछ बात सामने आ रही है? देखिए, ये तो अगर जहां तक धमकी की बात है ये तो पूरी तरह से हम इसको गलत मानेंगे कि किसी भी अगर आपकी कोई समस्या अगर सरकार आपको मुआवजा दे रही है तो एक बैठ करके ही उचित मूल्य उसका निर्धारित किया जा सकता है। एयरपोर्ट बंद करना तो उसके खिलाफ तो सरकार कदम भी उठाएगी जी। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है तो जमीन के बदले विकास और नौकरी की बात कही है। और इसी